कैसा लग रहा है ऋतिक भाई? ठंडा है पानी? बहुत साफ है। आप तो काफी देर से आ रहे हो आप लोग। नहीं नहीं, ये ऋतिक भाई मजा आ रहा है। एक नंबर। यहाँ पे मैंने खाना बनाया है, चावल रोटी मैं बना दूँ। बस भावनाओं में बह गई लड़की। कितनों ने बनाया है? दाल राइस रोटी धनिया पत्ती, इसको डाल के खाना है। आप लोग खाओ। क्या है थाली? तो हम लोग भी खाते हैं। हम तो अभी तो किट्टो को बोले कि हमको रायता सिखा देना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टो जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो बहुत क्यूट क्यूट से बच्चे हमारे साथ वाटर पार्क में, वाटर पार्क नहीं, ये स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं। और हमारी सोसाइटी का स्विमिंग पूल स्टार्ट हो चुका है और आज हम लोग खुद ऋतिक भाई डूब जाओ, खुद हो ना, रख दो फोन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो गाइस अब हम लोग नहाने जा रहे हैं, इंजॉय करने जा रहे हैं। ऋतिक भाई को लेकर के आए हैं, राहुल भाई तो आ नहीं रहे। ओ भाई साहब, कैसा लग रहा है ऋतिक भाई? ठंडा है पानी? बहुत साफ है। आप तो काफी देर से आ रहे हो आप लोग। नहीं नहीं, ये भैया को मैं सुबह से देख रहा हूँ, ऊपर से इन्होंने मुझे जगा दिया, चिल्ला चिल्ला के। मैं सो रहा था, ये चिल्ला चिल्ला के जगा दिया इन्होंने मुझे, पता है। ठीक है, आप लोग कौन कौन से टावर से आए हो? अच्छा, एटू वाले हो? अच्छा, चलिए आप सब लोग अपना अपना नाम ले लीजिए, आज के ब्लॉग में आइएगा शाम को। यो गुड नेम, आपका नाम क्या? बहुत सही, चलो इंजॉय करो आप। तो गाइस हम लोग भी थोड़ा सा कूद लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है? ऋतिक भाई आ जाऊं? हमने तो लगा दी है डुबकी इधर ऋतिक भाई, और बच्चे भी सब लोग नहा रहे हैं। तो पुल कल से ही स्टार्ट हुआ है तो एंजॉय करेंगे थोड़ा सा। किट्टो को मैंने बोला, लेकिन किट्टो राहुल भाई भी सो रहे हैं, ममती जी भी सो रहे हैं, वो लोग आए नहीं, लेकिन हम लोग ही इंजॉय कर रहे हैं। सही है, अब यहाँ पे बढ़िया रील्स वगैरह बनाया करेंगे तो बढ़िया ही लगेगा। बच्चे आ रखे हैं नहाने के लिए, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के लिए तो बढ़िया होता है, गर्मी में वाटर पार्क जाने की जरूरत नहीं, घर के मतलब की सोसाइटी के स्विमिंग पूल में एंजॉय करेंगे। ऋतिक भाई मजा आ रहा है। एक नंबर। वो अपना फ्लैट है ऊपर, वो सही है, स्विमिंग पूल व्यू भी है हमारा। बाबू कूदो, चुम कूदो, कूदो तेजी से ताकि इसमें सुनामी आ जाए, कूदो। 10 बज चुके हैं तो 10 बजे वाटर पार्क स्विमिंग पूल बंद हो जाता है, 10 बजे के बाद लेडीज लोगों के लिए हो जाता है 10 से 11। तो हम ऋतिक भाई नहा चुके हैं, रिया जी के लिए अभी फ्री है तो रिया जी नहा सकती हैं, लेकिन वो भी बोल रहे हम भी चलेंगे। मॉर्निंग की तरह नहीं, और ये इतनी खुश है, इतनी खुश है ना कि राहुल मम्पी रिया वगैरह आए हैं। तो ये जब राहुल मम्पी के यहाँ आई थी, इन्होंने बोला था कि हम राहुल मम्पी कभी ना कभी घर पर बुलाएंगे, और भगवान ने ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा टाइम बना दिया कि राहुल मम्पी हमारे नियर बाई थे तो हम लोगों ने उनको इनवाइट किया, आ गए वो लोग। अब ये चलो टिकट बना रखी है, दाल और रोटी बना दिया है कितनों ने, और यहाँ पे परवल की सब्जी बनाओगी और रायता, टेंट लगी है। गाइस यहाँ पे मैंने खाना बनाया है, चावल रोटी मैं बना दूँ, बस भावनाओं में बह गई लड़की। किट्टो ने बनाया है दाल राइस रोटी रायता, जो कि लौकी का वो कद्दूकस करके बनाते हैं ना, वो वाला है, और क्या बोलते हैं भिंडी परवल की भुजी और सैलेड। बहुत लड़की ने मेरी मेहनत किया, पसीना देखो ऊपर से, लेकिन दीदी ने रोटी बनाने में पूरा हेल्प किया, और ये निकालने में मदद किया, किट्टो रानी ने जमा जम मेहनत करी है। ये इस तरीके खाना बनाने का मकसद ये था कि हम लोग कई दिनों से हम लोग उल्टा पुल्टा ही खा रहे थे। भैया खाना रायता कैसा है बताओ? टेस्टी, सिंपल सादा खाना, पक्का झूठ नहीं। हम तो बोले हमको ये वाला सिखा देना, ये कैसे बनाए, भून के बनाया है उन्होंने। हाँ, उसको भूनते हैं पहले, रायता रेत देंगे उसको, फिर थोड़ा सा ऑयल में मिर्चा और ये जब रेतेंगे इसको डाल देंगे, जब इसका पानी निकल जाए एकदम सूखा सा हो जाए तो इसको निकाल करके ठंडा हल्का सा करके दही में डाल देंगे, फिर इसमें मतलब कि अपने अनुसार डालिएगा, जीरा भुना हुआ और काली मिर्च भुना हुआ,
इसको डाल दीजिएगा। जीरा का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, काली मिर्च का मात्रा थोड़ा कम होता है। इसमें नमक, सादा नमक और ये कौन सा नमक एक होता है, काला नमक। हाँ, काला नमक। और ये धनिया, धनिया पत्ती, इसको डाल के खाना है। आप लोग खाओ। क्या है खाली लीजिए। सुनो, मैं आपके साथ अच्छा एक राहुल भाई के मैं आपके लिए लाती हूँ अभी, ठीक है? तो भी खा ले आओ, आप खा लो, तो बस कुछ नहीं खाया ले आओ। वाकई गाइस, आप सबसे फीडबैक, मतलब राहुल भाई ने अभी तक, राहुल भाई ने फीडबैक नहीं दिया, तो राहुल भाई फीडबैक देंगे। राहुल भाई कैसा है? रायता सबसे अच्छा है, नमक थोड़ा कम है। नहीं, सही है। चल भाई, रायता बहुत अच्छा है। और पास हो गए ना, अभी मैंने ये दाल ट्राई नहीं किया, ये नहीं किया, अभी करके बताता हूँ, तब तक आप लोग भी खाते हैं। हम तो अमित किट्टो को बोले कि हमको रायता सिखा देना, किट्टो पूरा सिखा के भेजेगी हमको रोटी। मेरे को बहुत दिन के बाद, नहीं, मनीषा भी भुजिया बहुत अच्छा बनाती है। मेरा भी बहुत यूपी का खाना याद आ गया। मैंने जब मौसी के यहाँ रहता था ना, मौसी के यहाँ ऐसे ही खाना खाता था, मजा आ गया। कुछ क्या नहीं बोले थे कि तुम देखना, बोलेगा कि हमको इलाहाबाद से खाना याद आ रहा है। बाबू तुम भी खा लो, ला रहे बंद है ना इसका ढक्कन, अब भी बैठे मैं बस बैठ रहा हूँ। देखा सबने खाना पीना खा लिया, यहाँ पे किट्टो रानी बर्तन धुल रही हैं और लगे हाथों मैं भी इनकी मदद कर ही रहा हूँ जो चीज़ मुझसे हो पा रहा है। तो पहले मैं ये सारे जो भी इन्होंने सब कटिंग वटिंग किया सब हटा करके गार्बेज में डाल देता हूँ, ताकि हमें आसानी रहे साफ़ सफाई करने में। तो किट्टो, बहुत तारीफ हुई तुम्हारी खाने की, क्या बात है, सही है? ये हटा दूँ बाबू? काफी अच्छा रहा माहौल, और हम लोग अभी जा रहे हैं, जाने वाले हैं नहाने स्विमिंग पूल में। और स्विमिंग पूल में देखिए कितना खतरनाक भीड़ भीड़, ऋतिक भाई वगैरह सब पहुंच चुके हैं। तो राहुल भाई चले स्विमिंग पूल में नहाने। सुबह राहुल भाई तो गए नहीं, क्योंकि सुबह मैं, रिया जी और ऋतिक भाई गए थे, तो राहुल भाई रह गए थे, मम्पी जी रह गए थे, मम्पी को लेकर जाएंगे, मम्पी के साथ खूब अच्छे अच्छे रील्स बनाएंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन क्वीन है भैया, तो इनके साथ रील्स ने बनाया तो क्या बनाया। और सही बताए, इतनी बार मिले हैं ना, एक भी रील्स मैंने मम्पी के साथ नहीं बनाया ना, एक तो टाइम नहीं मिला। हाँ, मैं किट्टो बोला, किट्टो चल रहे हो तुम भी, तुम भी चलो। हाँ, तो हाँ मतलब कि काफी अच्छा लगा मम्पी को किट्टो का खाना, बहुत टेस्टी था। रायता तो हम इनको बोले सिखा देना, रायता सिखा के भेजेंगे मम्पी को, रायता सिखा के भेजेंगे। तो अभी सब लोगों ने एक एक नीड पूरा किया है, और राहुल भाई गए थे अपने मामा के यहाँ और अभी आए बस, और अंधेरा होने वाला है अभी। हम लोग की मूवी में, मतलब हम लोग की मूवी 10 बजे है, और राहुल भाई को आते आते मेरे ब्लॉग में जाकर गाना बजा देता ना, मैं सीधा एकदम। नहीं भाई, अब राहुल भाई आए, बोल रहे फटाफट मैं पहले नहा लेता हूँ स्विमिंग पूल में, फिर चलेंगे कहीं और। तो गाइज ठीक है, किट्टो कैसा लग रहा है तुमको, राहुल भाई आए हैं, मस्त मजा आ रहा है? चलो तो नींद के हैं हम भी बिहार में, भले पले भले मतलब पैदा हुए हैं, लेकिन हम इलाहाबाद में ही 4-5 साल गुजारा है, तो कहाँ बाटे ये सब लैंग्वेज हम लोग का। चला चली इलाहाबाद में ही है, बोले चला चली हम लोग नहाए, फटाफट नहावा जाए, हम लोग नहावा जाए स्विमिंग पुलवा में, फिर वो मजा लिया जाए। अच्छा, ये बिहार के थे, लेकिन ये बिहार वाली लैंग्वेज नहीं बोलते राहुल भाई, देखते उनका टोन नहीं है बिहार वाला। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, राहुल भाई का बिहार वाला टोन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। मैं तो 5 साल जब से बड़ा हुआ तब से यूपी इलाहाबाद में था, उसके बाद फिर कोलकाता, फिर बोकारो, तो कहाँ से बिहारी लैंग्वेज आता है हमारा आवेला। मतलब मेरे घर में या मेरे घर पे तो शुद्ध हिंदी बात होता है, बाकी लोगों से कहाँ जाए रे, अमी की नहीं अमी आयो दबोन खाए भर समझ में आ जाए। तो गाइस जब हम लोग चल रहे हैं एंजॉय करने के लिए, नहीं शब्दों के साथ इस वाले ब्लॉग को करते हैं एंड। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, खूब ढेर सारा प्यार दुलार इसी में जल्दी दीजिएगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अमित भाई बहुत स्पीड बोल रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ढेर सारा प्यार आप लोग दे रहे हो, मजा आ रहा है, बट कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि क्या से क्या बोलते हैं, कोई अच्छे से वेलकम नहीं किया, ये नहीं किया, इनको बिना बुलाए हम आ गए, या तो कुछ भी ऐसा
अबे यार जो मिले अच्छे से यार एंजॉय करो ना ब्लॉग को, आप लोग की वजह से ही लोग ना और भी बोलने लग गए। मैंने अपने ब्लॉग में कितनी बार बोला कि मैंने स्पेशली राहुल मम्पी को फोन किया यहाँ पे आने के लिए, हमें पता चल गया। मेरी मर्जी, हम क्यों नहीं आएंगे, हमारा अच्छा और नहीं आए तो उठा के लाएंगे भाई। तो गाइस चलिए एंजॉय करिए, लव यू ऑल, बाय बाय।